हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वैशाली जैन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में यहाँ पर बात करने वाले हैं डाइस यानी पासे के बारे में। हम यहाँ पर इस वीडियो में पढ़ेंगे डाइस क्या होता है। लूडो तो सभी ने खेली होगी बचपन में, अब तो ऑनलाइन खेल रहे हैं सब लोग। लेकिन जब आप डाइस लूडो खेलते हो तो उसमें जो आपका कुछ लोग गिट्टा बोलते हैं उसको कुछ लोग पासा ही बोलते हैं। जो उसमें होता है ना, जिसमें आपके नंबर्स लिखे होते हैं उसको बोलते हैं डाइस, ठीक है। उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आज इस वीडियो में वही डिस्कस करेंगे। क्यूब एंड क्यूबॉइड में पूरा आपको पढ़ा चुकी हूँ कि उससे कैसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं और कैसे उनको सॉल्व करना होता है। तो आज इस वीडियो में डाइस पढ़ेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत हेल्पफुल होने वाली है वीडियो, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। जो भी आपका SSC बेस्ड एग्जामिनेशन होता है उसमें इससे एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या होता है, जैसे अगर मैं डाइस की आपको बात बताऊं, मैंने आपको बताया था जो क्यूब होता है, क्यूब ही क्या होता है आपका, डाइस होता है ना। उसकी छह की जो आपकी सारी जो साइड होती है, तीनों साइड वो क्या होती है, इक्वल होती है। तीनों जो आपकी उसमें डाइमेंशंस होती है ना, वो क्या होती है आपकी, इक्वल होती है। अगर मैं डाइस की बात करती हूँ, देखिये डाइस कुछ ऐसा होता है। अगर मैं डाइस की बात करती हूँ तो इसमें कितने आपके सरफेस होते हैं, कितने फलक जिसको हम बोलते हैं, अगर मैं बात करूँ सरफेस की, इसमें सरफेस यानी फलक कितने होते हैं, इसमें फलक होते हैं आपके छह। थोड़ा सा बेसिक कर लेते हैं फिर डायरेक्ट चलेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं और कैसे उनको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर छह सरफेस है तो आपको ये डाइस दिख रहा है अगर, तो इसकी कितनी सरफेस आपको दिख रही है यहाँ पर। अगर ये इमेज आपको दिख रही है तो इसकी कितनी सरफेस आपको दिख रही है, एक तो ये वाली सरफेस दिख रही है, एक ये वाली दिख रही है और एक ये, यानी टोटल आपको तीन सरफेस इससे दिख रही है। जस्ट इसके पीछे भी आपने बोला छह सरफेस है, दिख तीन रही है, तो तीन सरफेस कहाँ है, जस्ट इसके पीछे है। एक इसके पीछे, एक इसके अपोजिट यानी यहाँ होगी नीचे, एक इसके पीछे होगी यानी यहाँ होगी, और एक इसके पीछे होगी जस्ट इसके पीछे होगी। तो छह सरफेस आपकी टोटल होती है। अब इससे कैसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, जो यहाँ पर देखिए दो टाइप के डाइस आपके यहाँ पर, जो टाइप्स अगर मैं बोलूँ, एक तो आपका क्वेश्चन आता है ओपन डाइस से और एक आता है आपका क्लोज डाइस से। यानी ओपन डाइस यानी खुला पासा और क्लोज डाइस यानी बंद पासा। अब देखिए जो बंद पासा है इसमें कैसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, जब फर्स्ट टाइप आपका होता है, जब इसमें आपको क्या दिया जाए, व्हेन वन डाइस इज गिवन, जब आपको क्या है, एक डाइस दिया जाता है तब उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। सेकंड क्या होता है, जब दो डाइस आपको दिए जाए, क्या दिए जाए, दो डाइस आर गिवन, टू डाइसेज आर गिवन। और थर्ड क्या होता है, व्हेन मोर देन टू डाइसेज, मोर देन टू डाइसेज आर गिवन। जब आपको एक डाइस दिया जाए, जब आपको दो डाइस दिए जाएं और जब आपको दो से ज्यादा डाइस दिए जाएं, तो आपको इनसे क्या बताना होता है, इनसे आपसे पूछा जाता है अपोजिट बताइए। अपोजिट आपको बतानी होती है, अपोजिट सरफेस पर क्या होगा वो बताना होता है। और जब भी आपका ओपन डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो इसमें आपसे पूछा जाता है कि आप इसमें क्या बताइए, या तो अपोजिट आपसे पूछा जाता है कि अपोजिट बताइए, या जो सेकंड आपका इससे पूछा जाता है कि कौन सा डाइस बन सकता है, जब हम ओपन डाइस को, खुले हुए डाइस को बंद करते हैं तो कौन सा डाइस आपका बंद करने पर बनेगा या कौन सा डाइस बंद करने पर नहीं बनेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। जो इसमें मेन कॉन्सेप्ट आपका आता है वो आता है अपोजिट का। अगर आपने अपोजिट सीख लिया, अगर आपने आपको पता चल गया डाइस में किसके अपोजिट क्या आएगा, कैसे आएगा, कभी एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सारा बेस्ड ही कॉन्सेप्ट आपका डाइस में किस पर है, अपोजिट पर बेस्ड है पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये तो हमने बेसिक इसका जान लिया, कैसे कैसे क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं और क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं डाइस की बात करूं, डाइस कितने प्रकार का होता है, तो क्वेश्चन के टाइप हो गए, ये तो क्वेश्चन के टाइप हो गए, कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं डाइस की बात करूं, डाइस दो टाइप का आपका होता है, कौन कौन सा टाइप होता है, फर्स्ट जो आपका होता है मानक पासा, और दूसरा क्या होता है
साधारण पासा, मानक पासा क्या होता है, मतलब स्टैंडर्ड डाइस, और साधारण पासा यानी ऑर्डिनरी डाइस। ये दो टाइप के आपके डाइस होते हैं जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो आपका ये सिंगल वाला जो डाइस से क्वेश्चन आता है वो आता है आपका जनरली मानक पासे से। किससे आता है? मानक पासे से आता है। बहुत कम क्वेश्चन आते हैं इससे, लेकिन कभी कभी फंस जाता है एग्जाम में। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन दो टाइप से आता है, या फिर ओपन डाइस से सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे या ओपन डाइस से आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। बात करते हैं साधारण पासा और मानक पासे में क्या डिफरेंस होता है। आज हम यहाँ पर सबसे पहले मानक पासा पढ़ेंगे, फिर जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम साधारण पासा जो आपका होगा वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा बात करती हूँ दोनों के बारे में, थोड़ा थोड़ा सा बता देती हूँ तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। देखिए दो टाइप के डाइस पासे मैंने आपको बताया, एक तो मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस, और दूसरा क्या है आपका साधारण पासा ऑर्डिनरी डाइस। ये आपके दो टाइप के पासे हैं। अब देखिए जो पासा होता है ना आपका, जो डाइस होता है, ये आपका डाइस है। अब देखिए क्या होता है, जब आपकी जो अपोजिट साइड होती है, अपोजिट साइड क्या होती है, जैसे इसके अपोजिट क्या होगा, जस्ट इसके पीछे होगा, यानी इस वाली साइड के नीचे होगा। ये इसका अपोजिट इधर होगा और इस वाले का अपोजिट नीचे होगा, ये आपके अपोजिट्स होते हैं। तो यहां पर जब भी अपोजिट का सम, देखिए अपोजिट का सम क्या होगा, सात होगा, ध्यान रखना। अपोजिट का जो सम है, अपोजिट का सम यानी योग क्या होगा, सात होगा, वो क्या होगा, मानक पासा होगा। और जब अपोजिट का सम सात नहीं होगा, वो क्या होगा, साधारण पासा होगा। आपको पता है जो आप लूडो खेलते हैं उसमें कहां से कहां तक नंबर होते हैं, एक से छह तक आपके नंबर होते हैं। अब मैंने बोला अपोजिट का सम सात होगा, जब अपोजिट का सम सात होगा तो देखिए एक के अपोजिट क्या होगा, छह होगा, दो के अपोजिट क्या होगा, तीन होगा, और सॉरी दो के अपोजिट आपका पांच होगा और तीन के अपोजिट आपका चार होगा। देखिए यहां पर ये क्या हो गए, सम सात हो रहा है। हमेशा ध्यान रखना जो अपोजिट साइड होती है ना वो कभी साथ में नहीं होती। जैसे अब ये सपोज कीजिए ये एक मानक पासा है और इसकी अपोजिट का जो सम है वो क्या होगा, सात होगा, ये आपको पता है। अब इसमें लिखा हुआ है एक दो तीन, अब आपको बताना है ये पासा क्या है आपका, मानक पासा है। ये क्या है, मानक पासा है। तो एक के विपरीत क्या होगा, छह होगा, दो के विपरीत क्या होगा, पांच होगा, तीन के विपरीत क्या होगा, चार होगा, ये तो आपको पता चल गया। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं ये एक मानक पासा है, अगर ये मानक पासा है ना, अगर मैं बोलूं एक छह और तीन, अब देखिए अगर ये मानक पासा है तो एक के विपरीत क्या होगा, छह होगा। जब एक के विपरीत छह होगा तो ये दोनों कभी भी साथ नहीं आएंगे, मतलब एक पासे में, एक पासे के अंदर ये कभी भी हमें दोनों साथ नहीं दिखेंगे। जो अपोजिट होते हैं वो कभी भी, जो आपको एक पासा दिख रहा है ना, ये इसके तीन फलक दिख रहे हैं, तीनों फलक में वो अपोजिट दोनों साथ नहीं होंगे, ये बात ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, पूरे डाइस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब मैंने बोला अपोजिट का सम सात होगा तो वो क्या होगा, मानक पासा होगा। ये मैंने आपको बोला साधारण पासा क्या होता है, उसके अपोजिट का सम सात नहीं होता। अगर मैं बोलू ये मैंने आपको एक डाइस दे दिया, अब मैंने ये आपको डाइस दे दिया तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें जो है एडजेसेंट साइड होंगी, जो आसपास की जो साइड होगी ना डाइस की, वो क्या हो सकती है, सात हो सकती है। अब मैंने आपको ये डाइस दिया, अब आपको क्या बताना है, ये मानक पासा है या साधारण पासा है। अब एक बात बताइए, मानक पासा क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड का टोटल सात हो। अब इसमें तो एक और छह का टोटल सात होता है, लेकिन ये दोनों आपके साथ साथ दी हुई है तो ये क्या हो गया आपका, मानक पासा हो गया। मतलब इसमें क्या होता है, एडजेसेंट साइड का टोटल आपका, जो एडजेसेंट साइड होगी, ये दोनों एडजेसेंट साइड है, इनका टोटल क्या होगा, इनका जो सम होगा वो क्या होगा,
सात होगा, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता। जो आपकी एडजेसेंट साइड होगी ना, एडजेसेंट साइड का जो सम है ना आपका सात नहीं होगा। एडजेसेंट साइड का टोटल आपका क्या होगा? सात नहीं होगा। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी यहां तक इतना। चलिए कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू हम और अच्छे से समझेंगे। चलिए देखते हैं कुछ और टाइप के क्वेश्चंस। बस आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप डाइस के क्वेश्चन को सॉल्व करिए, कोई डाइस दिया जाता है, अगर सिंगल डाइस आपको दिया जाए तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, क्या वो पासा मानक है या साधारण पासा आपको दिया गया है। जब आप ये चीज देख लेते हैं, और एक सेकंड पॉइंट यहाँ पर आपको क्या याद रखना होता है कि जो अपोजिट होते हैं वो कभी भी एडजेसेंट नहीं होते, और जो एडजेसेंट होंगे वो कभी भी अपोजिट नहीं होंगे। अगर आपने ये दो पॉइंट अपने दिमाग में बैठा लिया, रही लास्ट वाला जो पॉइंट मैंने बताया कि जो एडजेसेंट होते हैं वो अपोजिट नहीं होंगे और जो अपोजिट होते हैं वो एडजेसेंट नहीं होंगे, अगर आपने ये बात समझ ली तो डाइस का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप सॉल्व ना कर पाओ। डाइस का कोई भी सिंगल ऐसा क्वेश्चन नहीं आपको मिलेगा जो आप सॉल्व ना कर पाओ। तो यहाँ पर अभी आज जो हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ करेंगे। अभी मैंने आपको समझाया जो हमने मानक पासा पढ़ा था क्या होता है, मानक पासा मैंने अभी बताया आपको, तो उस पर बेस्ड यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कल पढ़ेंगे जब आपके दो से ज्यादा डाइस दिए जाए तो वो साधारण डाइस आपके होते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पर आपको एक डाइस दे दिया, अब मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले आपको बताना है मानक पासा है या नहीं। कुछ डाइस मैं यहाँ पर आपको दे रही हूँ, कुछ डाइस मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ और आपको बताना है क्या ये मानक पासा नहीं है। ये तीन डाइस मैंने आपको दिए और बताइए क्या ये मानक पासा है या नहीं है। मानक पासा क्या होता है? जिसकी अपोजिट साइड का सम तो सात होता है लेकिन एडजेसेंट साइड का सम कभी सात नहीं होगा। अब देखिए अगर मैं इन दोनों का सम करूं आठ होगा, इन दोनों का सम करूं ग्यारह होगा, लेकिन इन दोनों का जैसे ही सम किया ये क्या है सात आ रहा है, तो ये क्या है मानक पासा नहीं है। अगर मैं इस पर आई, पांच और तीन आठ होते हैं, तीन और एक चार होते हैं, पांच और एक कितना होता है छह, तो ये कैसा डाइस है आपका मानक डाइस, यानी स्टैंडर्ड डाइस है, यानी मानक पासा आपका है। अगर मैं इस डाइस की बात करती हूँ तो छह है इनका टोटल, इनका टोटल दस है और इनका टोटल आठ है, तो ये भी क्या है आपका मानक पासा है। अगर ये मानक पासा है तो मैं अगर आपसे पूछती हूँ पांच के विपरीत क्या होगा, तो सीधा आपको छुटते ही पता है क्या होगा दो होगा, एक के विपरीत क्या होगा छह होगा, तीन के विपरीत क्या होगा चार, सेम ऐसे चार के विपरीत तीन होगा, छह के विपरीत एक होगा, दो के विपरीत आपका क्या होगा पांच होगा, ये क्या है आपका मानक पासा है। अगर मैं यहाँ पर अब एक बात बताइए, मैंने बोला जो एडजेसेंट होते हैं वो कभी अपोजिट नहीं होते, जो अपोजिट होते हैं वो कभी एडजेसेंट नहीं होंगे, तो इसका मतलब हमें क्या पता चला? अगर मैं यहाँ पर, चलिए हमें पता है ये मानक पासा नहीं है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछना चाहूं छह के विपरीत क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछूं छह के विपरीत क्या होगा, क्या कोई मुझे आंसर कर सकता है? मैंने क्या बोला, जो विपरीत होगा वो एडजेसेंट नहीं होगा। अब देखिए छह के एडजेसेंट क्या है, दो भी है और पांच भी है, तो छह के विपरीत कभी भी ना तो दो होगा और ना ही कभी भी इस वाले डाइस में पांच होगा। क्यों? क्योंकि ये तो हमें सामने ही दिख रहे हैं, जो अपोजिट होता है ना वो हमें दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो एडजेसेंट होते हैं, अपोजिट नहीं होता। तो यहाँ पर दो और पांच तो कभी नहीं होगी, हमें क्या क्या नहीं दिख रहा है, एक नहीं दिख रहा है एक हो सकता है, तीन नहीं दिख रहा है तीन हो सकता है, चार नहीं दिख रहा है चार हो सकता है, इन तीनों में से कुछ भी आपका छह के विपरीत हो सकता है, लेकिन दो और पांच कभी भी विपरीत नहीं होंगे। ये बात बिल्कुल ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो मैंने आपको बताया, क्या विपरीत कभी साथ नहीं होते और जो साथ देंगे वो कभी विपरीत नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर छह के विपरीत ना तो दो होगा ना पांच। सेम ऐसे अगर मैं इस तीन की बात करती हूँ, अगर ये मानक पासा भी ना होता और आपसे पूछ लिया जाता तीन के विपरीत क्या होगा, तो ना तो पांच होगा ना एक होगा, तो क्या बचता है छह बचता है चार बचता है दो बचता है। वैसे तो हमें पता है ये मानक पासा है, तो इसलिए हमने इसका बता दिया कि इसके विपरीत
क्या होगा। उम्मीद है आपको मानक पासे से रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो समझ में आ गए होंगे। इसमें आपको सिंगल डाइस दिया जाएगा यही, और आपसे अपोजिट पूछ लिया जाएगा, तो आपको ये देखना होगा कि वो मानक पासा है या नहीं है। अगर वो मानक पासा है तो अपोजिट साइड का सम 7 होगा, और मानक पासा है या नहीं है वो कैसे चेक करोगे, सिर्फ ये देख लोगे एडजेसेंट साइड का सम आपका 7 तो नहीं आ रहा है। अगर ये 7 आ रहा है तो ये मानक पासा नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में साधारण पासे को डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छे से समझते हुए चलेंगे टॉपिक को, ताकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे टॉपिक क्लियर हो जाए, कोई भी ऐसा टॉपिक ना रहे जो आपको आता ना हो। मैं पेपर कटिंग करा चुकी हूँ, मिरर इमेज वाटर इमेज करा चुकी हूँ, और आपका क्यूब एंड क्यूबॉइड आपका करा चुकी हूँ। अब हमारा डाइस चल रहा है, मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, तो जिसने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं, आपके एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।